आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स, तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। उस रात जब मैं स्टेशन जाने के लिए निकला तो लगातार हो रही बारिश की वजह से कहीं कोई ऑटो रिक्शा या फिर कोई साधन दिख नहीं रहा था। ऐसा सब देखकर एक पल को तो मैंने सोचा कि आज घर नहीं जाता हूँ, मगर फिर ये सोचकर आगे बढ़ने लगा कि अगर कोई रिक्शा मिल जाए, एक हाथ में छाता तो वहीं दूसरे हाथ में कपड़ों का बैग लेकर मैं किसी रिक्शा की तलाश में बढ़े जा रहा था। तभी मुझे रोड के एक साइड में एक रिक्शा खड़ी दिखी। मैंने जब उसे स्टेशन चलने को कहा तो उसने बोला, देखो भैया, 60 रुपया लगेगा स्टेशन जाने का। अगर चलना है तो कहो, वरना देख लो आपको जो ठीक लगे। उसकी ये बात सुनकर पहले तो मन किया कि एक खींच कर लगाऊं, क्योंकि यहाँ से स्टेशन जाने का भाड़ा ज़्यादा से ज़्यादा भी सिर्फ 30 रुपये होता है। खैर, लाचार होकर मैंने उस आदमी को हाँ कर दिया और फिर रिक्शे में बैठकर स्टेशन की ओर चल पड़ा। बारिश अभी भी काफ़ी तेज थी। इसी बीच जब निगाहें घड़ी पर गईं तो रात के 8 बज रहे थे और मेरी ट्रेन 9:15 बजे की थी। कहीं ना कहीं मुझे लगने लगा था कि मेरी ट्रेन छूट जाएगी, मगर अब मैं कुछ कर भी नहीं सकता था। कुछ देर के बाद मैं स्टेशन पहुंचा और रिक्शे वाले को भाड़ा देकर टिकट कटवाने के बाद जैसे ही प्लेटफॉर्म पर दाखिल हुआ कि मेरी ट्रेन आंखों के सामने ही वहां से निकल गई। ये देखकर मुझे काफ़ी बुरा लगा कि इतना सब झेलने के बाद भी मैं अपनी ट्रेन नहीं पकड़ पाया। मगर परेशानी वाली बात तो ये थी कि अब मेरे पास स्टेशन में रात गुजारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि गांव का इलाका होने की वजह से इतनी बारिश के बीच ना तो स्टेशन के बाहर कोई सवारी दिख रही थी और ना ही मेरे अलावा स्टेशन में कोई आदमी मौजूद था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी। क्योंकि भले स्टेशन जितना ही छोटा क्यों ना हो, कोई ना कोई तो होता ही है, मगर यहाँ तो मुझे छोड़कर कोई परिंदा तलक भी पर नहीं मार रहा था। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि क्या करूं, तभी मेरी नज़र पास ही मैं स्टेशन मास्टर के केबिन पर गई। मैंने सोचा क्यों ना इन्हीं से पूछ लिया जाए कि अब अगली ट्रेन कब है, लिहाजा मैं धीरे से खांसते हुए केबिन में दाखिल हुआ तो पाया कि स्टेशन मास्टर सामने ही खड़े हैं। फिर मैंने उनसे पूछा, सर ये बखानपुर जाने वाली ट्रेन कब आएगी? तो इस पर उन्होंने कहा, एक तो अभी अभी निकली है और अब कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं है। पता नहीं क्यों स्टेशन मास्टर काफी जल्दी में लग रहे थे। उन्हें इस तरह से हड़बड़ाता देख मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछा, क्या बात है सर, आप काफी जल्दी में लग रहे हैं। तो उन्होंने मुझे सर से पैर तक घूरते हुए कहा, लगता है तुम पहली बार आए हो, ये बहुत लंबी कहानी है, तो अभी अगर अपने आप को जिंदा देखना चाहते हो तो यहाँ से निकल जाओ। और ये बोलकर उन्होंने मुझे केबिन से बाहर निकाल दिया और खुद भी केबिन के दरवाजे पर ताला मारकर वहां से निकल गए। मगर जाते जाते उन्होंने मेरे जहन में एक सवाल छोड़ दिया। मैं यहाँ से जाना तो चाहता था, मगर जाता भी तो कहाँ जाता, क्योंकि मैं तो यहाँ अपने काम से आया था और वो होटल भी मैंने छोड़ दिया है। ऊपर से बारिश इतनी तेज थी कि कहीं भी पैदल जाना मुमकिन नहीं था, जिस वजह से बेबस होकर मैंने स्टेशन में ही रात गुजारने का फैसला किया और वहीं प्लेटफॉर्म में लगी एक बेंच पर लेट गया। उस पूरे प्लेटफॉर्म पर खुद को अकेला पाकर अंदर ही अंदर मुझे डर सा लगने लगा था। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुझे हल्की हल्की ठंड महसूस होने लगी थी, जिससे मैं कब गहरी नींद में चला गया मुझे कुछ भी याद नहीं। फिर जब मेरी नींद हल्की हुई तो मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई पड़ रही थी। भारी आंखों से जब सिर उठाकर देखा तो एक ट्रेन ठीक मेरे सामने वाली प्लेटफॉर्म पर चली आ रही थी। ट्रेन को मेरी ओर आता देख मैं झट से उठकर बैठ गया, क्योंकि स्टेशन मास्टर के मुताबिक तो कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं थी।
फिर जब ट्रेन रुकी तो मैं वहीं ट्रेन के दरवाजे पर खड़े एक आदमी के करीब गया और उससे पूछते हुए कहा, भाई साहब ये ट्रेन कहाँ जाएगी? तो उसने कहा, आपको कहाँ जाना है? तो इस पर मैंने कहा, मुझे तो बकानपुर जाना है, क्या ये ट्रेन बकानपुर जाएगी? तो इस पर मुझे ट्रेन में चढ़ने का इशारा करते हुए उस आदमी ने कहा, हाँ ये ट्रेन भी वही जाएगी, तो आप भी शामिल हो जाइए हमारे साथ। उस आदमी से इतना सुनते ही मैंने फट से अपना बैग उठाया और ट्रेन में चढ़ते हुए उस आदमी से कहा, पर स्टेशन मास्टर ने तो कहा था कि कल सुबह से पहले कोई ट्रेन नहीं है। लेकिन इस पर उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, मगर मैं जैसे ही ट्रेन में चढ़ा कि ट्रेन अचानक ही खुल गई, जैसे मेरे लिए ही रुकी हो। खैर बाकी मुसाफिरों की तरह ही एक सीट पकड़कर मैं आराम से बैठ गया। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि मेरी नज़र आसपास बैठे लोगों पर गई, जो कि एक टक मुझे ही घूरे जा रहे थे। उन सभी को इस तरह से घूरता देख मुझे काफ़ी अजीब लगने लगा था। अभी मैं उनसे नज़रें चुराकर नीचे देख ही रहा था कि मेरी नज़र फर्श पर गिरे पानी पर गई, जो कि मेरे साथ बैठे उन सभी लोगों के कपड़ों से टपक रहा था। उन सभी के कपड़े पूरी तरह से भींगे हुए थे। ये सब देखकर जैसे ही अपनी नज़र उनके चेहरे पर डाली कि मेरा दिल धक्सा हुआ। दरअसल उन सभी के चेहरे बुरी तरह से फूले हुए थे और उनका पूरा शरीर पानी से चपचप गीला था। उन सभी का ये रूप देखकर मुझे ये समझते देर नहीं लगी कि ये लोग कोई आम इंसान नहीं है। लिहाजा मैं तुरंत ही अपनी सीट पर से उठा और चैन पुलिंग करने लगा, मगर चैन खींचने के बावजूद भी ट्रेन थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वो सभी भयानक चेहरे वाले लोग लगातार मेरी ओर बढ़े आ रहे थे। मैं खुद को तकरीबन मरा हुआ मान चुका था और तभी जब मैंने उनमें से एक आदमी को अपने से दूर करने के लिए बैग से मारा कि वो आदमी एकदम से हवा में धुआं हो गया, जिसके बाद वो सभी लोग मेरी बैग को देखकर पीछे हटने लगे और फिर पता नहीं क्यों अपने आप ही ट्रेन भी रुक गई। इसी का फायदा उठाकर मैं वहां से भाग निकला। वहां से दूर जाते ही मैंने अपना बैग खोलकर देखा तो मेरे बैग में कृष्ण भगवान की एक प्यारी सी मूर्ति थी, जिसे मैंने यहां से घर ले जाने के लिए खरीदा था। और उस रात इस तरह से कृष्ण भगवान के कारण ही मेरी जान बच गई। फिर बाद में कहीं से पता चला कि दरअसल कुछ साल भर पहले लोगों से खचाखच भरी वो ट्रेन एक पुल टूटने की वजह से पानी में गिर गई थी, जिससे बहुत से लोग मारे गए थे। और कहते हैं कि तब से वही ट्रेन हर रात उसी स्टेशन से खोलकर उस पुल तक जाती है, और अगर कोई गलती से भी उस ट्रेन में चढ़ जाता है तो उसकी लाश अगले दिन उसी नदी में मिलती है। ये सब जानकर मैंने अपने आप को खुशनसीब माना कि इस हादसे के बाद मैं आज भी जिंदा हूँ। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।